सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों से जो है मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं छोड़ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स के लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो परेशान ही पर था। सो फ्रेंड्स, आज के जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मजेदार सा एक वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पर जो आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ जो है सीखने वाले हो, और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो आपको नॉलेज भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पर जो मैं आपको सिंपली सिखाऊंगा कि आप फ्रेंड्स कोई भी फ्रेंड इस तरह का जो नाइट्स होता है फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिक से जो चार्ज होता है उसको फ्रेंड्स आप कैसे ठीक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक जो थोड़ा सा घुमा फिरा के होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा आप लोगों को, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पर जो बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको जो पूरा का पूरा इसे रिपेयर करना बताऊंगा किस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके देख सकते हो यहाँ पर जो इसका ढक्कन है, तो फ्रेंड्स इसे कुछ इस तरह से खोल सकते हो। और फ्रेंड्स देख सकते हो इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो जम चुका है, देख सकते हो फ्रेंड्स खराब हो चुका है। इसके अंदर जितना भी सिस्टम है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स के अंदर हमारे तरीके से जो फ्रेंड्स इसको हम ठीक करेंगे अभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किस तरह से ठीक करता हूँ आप लोग फ्रेंड्स वीडियो पर बन रही है, मैं आपको हर कुछ जो बताते रहूँगा। फिर मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा जो इसको एडिट करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यह जो यूएसबी है इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं दूंगा, इसको फ्रेंड्स मैं इस तरह से छोड़ दूंगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर सिंपली देख सकते हो इस तरह से फ्रेंड्स दो जो वायर आया है हमारा, प्लस और माइनस, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो दो वायर आया है उसका, और दो फ्रेंड्स वायर हमको चाहिए होगा और कुछ नहीं यार। इस तरह से जो हमारा सॉकेट जो है, चार्जिंग सॉकेट ए चाहिए, इन दोनों जो है इनपुट और आउटपुट से जो मैं इसको पूरा का पूरा भी ठीक करूंगा। सो फ्रेंड्स बने रहिए, मैं किस तरह से इसको ठीक करता हूँ अपनों वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर से जो मैंने सब कुछ बाहर निकाल चुका हूँ, और फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स के अंदर जो कुछ नहीं है, मैंने इसका पूरा सिस्टम जो बाहर निकाल चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इसके अंदर जो हमें एक सर्किट चाहिए। तो फ्रेंड्स, सर्किट के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो फोन, हमारा जो घर में फोन चार्जर होता है फ्रेंड्स, मोबाइल चार्जर का जो सर्किट है उसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लेना है। फ्रेंड्स कोई भी मोबाइल चार्जर का आप ले सकते हो, फ्रेंड्स अच्छा भी हो या फिर ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा वाट का हो, ज़्यादा एम्पीयर का हो, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप ले सकते हो, अच्छा होगा, वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आपको करना क्या है, हमारा जो सर्किट का फ्रेंड्स जो इनपुट होता है फ्रेंड्स, 230 वोल्ट जो इनपुट होता है फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा 230 वोल्ट जो एक सौ दो वायर है उसके साथ फ्रेंड्स इसको जो डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा जो सर्किट चार्जर सर्किट का जो आउटपुट है फ्रेंड्स, 5 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव जो दो वायर होता है उसको फ्रेंड्स इस नाइट का जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो वायर है उसके साथ फ्रेंड्स इसको डायरेक्टली जोड़ देना है। और फ्रेंड्स कोई भी काम नहीं करना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड्स, आप जो घर में आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स सिंपल सा है कनेक्शन और बहुत ज़्यादा ईजी है। सो फ्रेंड्स इसी बात पर जो है फ्रेंड्स वीडियो जो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स वीडियो को जो लाइक कर देना, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स अभी मैं इसको जो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अच्छे से इस तरह से सेट करके और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपको करना क्या है, जो हमारा बैटरी है फ्रेंड्स, मेन जो हमारा कंपोनेंट है, इसको फ्रेंड्स आपको करना क्या है, उसी फ्रेंड्स जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव जो वायर है उसी पर जो आपको डायरेक्ट इसको जो फ्रेंड्स डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स सिंपली होगा क्या, जब फ्रेंड्स इसको चार्ज करूँगा, चार्ज के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा जो बैटरी होगा वो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक चार्ज होगा, और फ्रेंड्स हमारा जो नाइट है फ्रेंड्स वो नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नाइट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक स्विच है, स्विच जब ऑन करूँगा उसके बाद ही जो नाइट है वो ऑन होगा। इसीलिए फ्रेंड्स अभी जो स्विच जो ऑफ है ऑफ रहेगा चार्जिंग के समय, और जो हमारा बैटरी है वो फ्रेंड्स नहीं ऑफ रहेगा, उसमें डायरेक्ट जो है चार्ज होगा जब भी फ्रेंड्स इसको जो आप इनेक्टर के साथ जो है जोड़ोगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इजी जो इसका कनेक्शन है, मैं फ्रेंड्स सभी को जो सभी चीज़ को जो यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल सा कनेक्शन है, आप फ्रेंड्स आसानी से घर में जो कर सकते हो, और फ्रेंड्स कोई भी टॉर्च लाइट को जो आप जो है रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख सकते हो आप, जो मैंने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग कर चुका हूँ, आपको फिर अच्छे से सोल्डरिंग करना है आउटपुट और इनपुट पर, और फ्रेंड्स बैटरी को मैंने अच्छे से जोड़ दूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने कागज़ को जो इसको रख दूँ, जिससे फ्रेंड्स जो है एसी और डीसी जो है टच नहीं होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो पूरा का पूरा अभी रिपेयर हो चुका है। सो फ्रेंड्स अभी इसका जो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा अभी काम कर रहा है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इनपुट देख सकते हो 230 वोल्ट जो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस साइड जो इनपुट है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इनपुट देना है सिंपली इस तरह से फ्रेंड्स, और इनपुट देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा प्लग पॉइंट है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसे दे देना है। तो फ्रेंड्स ये जो अभी चार्ज हो रहा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें जो कोई नाइट इंडिकेटर नहीं है फ्रेंड्स, मैंने नहीं लगाऊँ, तो फ्रेंड्स जो पूरा का पूरा अभी चार्ज हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर जो अभी चार्ज हो रहा है, देख सकते हो फ्रेंड्स अच्छे से फ्रेंड चार्ज हो रहा है, और फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो अभी वर्क भी कर रहा है, देख सकते हो, ये देख सकते हो पूरा का पूरा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से फ्रेंड्स वर्क कर रहा है। तो फिर आप फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो फ्रेंड्स इस तरह का जो जितने भी फ्रेंड्स टॉर्च लाइट है इसको फ्रेंड्स इस तरह से कुछ रिपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड्स, आप आसानी से जो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना, जिससे फ्रेंड्स हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं मेरे और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।